हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फेशंस, यस, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, एंड वी हैव टू रीड दिस विद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो चलिए देखते हैं क्या है कन्फेशन। कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज विद एन ऑफेंस स्टेटिंग और सजेस्टिंग द इन्फरेंस दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। A declaration not a confession if it is not made with the animus confident means intention to confess। Confession क्या है? Confession वो declaration है, वो admission है जो कि एक जो culprit होता है, जिसपे accusation होता है किसी charge का, वो खुद से admit करता है facts कि yes मैंने ये काम किया है, और जिससे वो पता चलता है कि इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ इसने ये काम किया है, इसने ये क्राइम किया है। उसकी बातों से, उसके कन्फेशन से, उसके हाँ कि मैं खुद, हाँ मैंने खुद किया है, मैं एग्री करता हूँ कि मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, ऐसे वेपन लिया मैंने, इसको मारा, मेरी इससे ऐसी दुश्मनी थी इसलिए माना, रीज़न, वो सारी फैक्ट्स एंड सरकमस्टेंसेस जो वो बताता है, जब वो एडमिट करता है कि मैंने ही क्राइम किया है, जब वो किसी क्राइम के उस पर चार्ज्ड है, उसे हम कन्फेशन कहते हैं। और जो एक डिक्लेरेशन है जो विदाउट इंटेंशन टू कन्फेस, जबरदस्ती कराई गई है इन्फ्लुएंस में या प्रेशर में, वो कन्फेशन कभी भी नहीं होता है। टेस्ट क्या है कि एक स्टेटमेंट जो है वो कन्फेशन है कि एडमिशन है, तो एक एसिड टेस्ट होता है। उसमें ये देखा जाता है कि एक जो स्टेटमेंट बनाई गई है, जो कन्फेशन किया गया है, क्या उस पर सोल, क्या उस पर बेस्ड सोल कन्विक्शन हो सकती है, क्या उस स्टेटमेंट में बेस्ड जो जज है, मजिस्ट्रेट है, वो कन्विक्शन कर सकता है कि नहीं एक्यूज का। अगर वो सिर्फ उस कन्फेशन पे ही उसको सजा देगा कि हाँ जो उसने कन्फेशन किया वो इतना स्ट्रांग था कि उस पर सजा दी जा सकती है उसको, तो वो कन्फेशन होता है। अगर अगर उस स्टेटमेंट को किसी और एविडेंस के साथ प्रूफ करना पड़ता है, कोरोबरेट करके या कुछ और सब्सटेंशियल एविडेंस ला के प्रूफ करना पड़ता है, तो वो स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होती, वो एडमिशन होती है। समझ में आया कन्फेशन एडमिशन का डिफरेंस? कि अगर जिस स्टेटमेंट पे, जिस डिक्लेरेशन पे तो जज है, सिर्फ उस डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर वो सजा देता है किसी भी एक्यूज को, किसी भी पर्सन को, तो वो कन्फेशन होती है। और अगर उसी स्टेटमेंट के साथ कोई और सब्सटेंशियल एविडेंस रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो फिर वो एडमिशन हो जाता है। कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर टोटली इनएडमिसिबल इन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 25 में इंडियन एविडेंस एक्ट के दिया हुआ है कि कोई भी स्टेट में अगर हम कन्फेशन पुलिस को, ऑफिसर को करते हैं, तो वो लेते ही नहीं है हम एविडेंस में, रिकॉर्ड में लेते ही नहीं, वो इनएडमिसिबल है। क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कन्फेशन का जो कन्फेशन है, उस बहुत ज़्यादा प्रेशर इन्फ्लुएंस्ड होने के चांसेस होते हैं, वो वॉलेंट्री नहीं होते, इनवॉलेंट्री होने के बहुत चांस होते हैं। कि पुलिस ऑफिसर अक्सर देखे गए हैं ऐसे काम करते हुए कि ज़बरदस्ती उनसे कोई भी चीज़ कन्फेस करा ली जाए, तो उसके सेफ गार्ड के लिए, उस एक्यूज के सेफ गार्ड के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है कि जो कन्फेशन जो भी पुलिस ऑफिसर वो करते हैं, वो कभी भी एविडेंस में नहीं लिया जाता है। तो सेक्शन 164 क्यों दिया हुआ है सीआरपीसी के अंदर में, क्यों ये प्रोविजन हमने कंटेन किया है? तो इंश्योर ए फेयर इंक्वायरी और ट्रायल, सेक्शन 164 लेज डाउन ए स्पेशल प्रोसीडर फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द कॉम्पिटेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। द पर्पज इज टू इंश्योर द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट आर मेड वॉलेंट्री एंड फ्रीली एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर और इन्फ्लुएंस। जो 164 है सीआरपीसी का, वो क्यों दिया गया कि जो भी इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, बहुत फेयर हो, जो जो भी कन्फेशन स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे, कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस के साथ तो फेयर होने का चांसेस नहीं होता है। तो और सीधे सीधे इंडियन एविडेंस एक्ट ने कहा है कि कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर इनएडमिसिबल है, तो मजिस्ट्रेट को ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि फेयर इंक्वायरी और ट्रायल हो सके, ताकि वो किसी भी प्रेशर से फ्री हो, इन्फ्लुएंस से फ्री हो, और कन्फेशन जो है वॉलेंट्री एंड फ्रीली बनाई गई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी चीज़ कन्फेस कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस पर आपको सजा हो सकती है। किसी भी इंसान का एक राइट जो होता है, जिंदगी भर का राइट, वो जा सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वॉलेंट्री और फ्रीली मेड किया गया हो। देखते हैं सेक्शन 164(1) में क्या दिया है। मैंने ये सेक्शन बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको अलग, इसके अलग अलग सब सेक्शन को अलग अलग साइट में दिया है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो देखते हैं सेक्शन 164(1) क्या कहता है, सब सेक्शन 1 क्या कहता है। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे, वेदर और नॉट ही हैज ज्यूरिडिक्शन
इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिफोर द कमिसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को राइट होता है कन्फेशन करने का। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके पास जुडिशियल है कि नहीं ये भी कोई मतलब नहीं होता है। दे कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन और स्टेटमेंट उनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी उनको दी जा रही है बिफोर द कमिसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। जो एंड ये जो दूसरा प्रोविजन है वो 2009 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है कि जो कन्फेशन और स्टेटमेंट होगा वो चाहे तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन के प्रेजेंस में मीन से और जो एक्यूज है उसके एडवोकेट के प्रेजेंस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन हुम एनी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। और कोई भी पुलिस ऑफिस पे हम मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि उनको पावर नहीं है, इम्पावर्ड नहीं है, दे आर नॉट इम्पावर्ड। सेक्शन 164 समझ में आ गया कि कभी भी जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई कन्फेशन और स्टेटमेंट अगर दी जाती है तो वो उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं भले उनके पास कोई जुडिशियल हो या ना हो बिफोर द कमिसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। और इसको हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ एक्यूज पर्सन। और जिस पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट की स्पेशल पावर दी गई है वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि इसमें लिखा हुआ है मे का मतलब इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, वो चाहे तो रिकॉर्ड करे स्टेट कन्फेशन और चाहे तो ना करे। इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि जो मे है उसको हम ऑब्लिगेटरी मानना चाहिए हमें। बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी गई हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन है इंटरप्रिटेशन में कि जो मे है उसको हमको ऑब्लिगेटरी मानना चाहिए और मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना ही चाहिए। पर अहमद वर्सेस किंग एम्पायर में ये बोला गया था कि नहीं, डिस्क्रिशनरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो कन्फेशन की जाती है वो प्रेशर में की जाती है, वॉलेंट्री नहीं होती है। तो एक इंसान अपना खुद का राइट हैम्पर कर रहा होता है तो मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि नहीं ये कन्फेशन जो है क्रेडिबल नहीं और यूजलेस फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस तो वो चाहे तो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो ये सर डिस्क्रिशनरी पावर जो दी गई है मजिस्ट्रेट को, ये ऑब्लिगेटरी प्रोविजन नहीं है। अब देखते हैं कि स्पेशल प्रोसीजर क्या दिया हुआ है सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 में कि एक मजिस्ट्रेट को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए 164 के अंदर। इफ द मजिस्ट्रेट डिसाइडेड टू रिकॉर्ड ए कन्फेशन सेक्शन 164 रिक्वायर्स हिम टू कम्प्लाई विद चार प्रोविजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉलो करने ही पड़ते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट को। जो अगर उनके पास जुडिशियल है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ये प्रोसीजर उनको फॉलो करने पड़ते हैं तभी जाके कन्फेशन वैलिड कन्फेशन होता है। अगर ये नहीं फॉलो करते हैं तो वो बैड इन लॉ हो जाता है। देखते पहला प्रोविजन क्या है, ही शुड गिव ए स्टेट्यूटरी वार्निंग दैट अक्यूज इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन। जो मजिस्ट्रेट है जब उसको अक्यूज उस सामने लाया जाता है तो वो उसको बताता है कि देखो तुम्हारा राइट है, तुम्हें सीआरपीसी में और एविडेंस में ये कहा गया है कि तुम पे कोई दबाव नहीं है, तुम्हें कन्फेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बाउंड नहीं हो कन्फेशन करने के लिए, ठीक है। वो इसको ये बता देता है। उसके बाद वो फर्स्ट देखता है कि जब क्या जवाब देता है कि उस बात पे, तो मजिस्ट्रेट अपने को सेटिस्फाई करता है कि क्या वो वॉलेंट्री कन्फेशन करना चाहता है, किसी प्रेशर किसी इन्फ्लुएंस के अंदर वो करना चाहता है, किसी को बचाने के लिए करना चाहता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है उसके माँ बाप उसको उस पर अपने पर ले लेते हैं कि नहीं मैंने उसको मार दिया अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो ये चीज़ को देखना पड़ता है कि वॉलेंट्री है कि नहीं। तीसरा देखते हैं, द कन्फेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड साइन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 एंड शैल बी साइन बाई द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। सीआरपीसी में सेक्शन 281 के अंदर दिया गया है कि कैसे किसी भी कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है एविडेंस में एक्यूज का, और हमें उसी तरीके से कन्फेशन भी रिकॉर्ड करना है। एंड वो कन्फेशन शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग कन्फेशन, जो अक्यूज है वो कन्फेशन कर रहा है तो उस पर साइन भी उसका होना चाहिए। देखते हैं सेक्शन 281 सीआरपीसी का कैसे कहता है कि रिकॉर्ड करना चाहिए कोई भी स्टेटमेंट अक्यूज का। कहता है कि जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो
उसको एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है सब्सटेंस का, जो इन्होंने एग्जामिनेशन किया है एक्यूज का इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज होती है। मेट्रोपॉलिटन में जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक मेमोरेंडम बनाता है कि क्या क्या उन्होंने पूछा एविडेंस में और क्या सब्सटेंस हो इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, और जो वो मेमोरेंडम होता है वो साइन, वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उसको साइन करना करना पड़ता है, और वो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड हम रखते हैं एविडेंस के तौर पर एंड शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। पर ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात है, जब भी कोई एक्सक्यूज है उसके एग्जामिनेशन जो मजिस्ट्रेट अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करता है या कोर्ट ऑफ सेशन करता है, तो होल ऑफ सच एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन लिया हुआ होता है लेते हैं वो इंक्लूड एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड एवरी आंसर गिवन बाय द एक्यूज शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मीन्स प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, और when he is unable to do that by a subordinate, कि कैसे कैसे record किया, और every question answer given by him that has to be recorded. The record shall be in the language of court in which accused is examined and if not practicable in the language of court. जो record होगा वो court की language होना चाहिए, इसमें accused ने अपना दिया है बयान, अगर नहीं possible है तो in the language of court. जो रिकॉर्ड है वो एक्यूज को हमको सुनाना पड़ता है, अगर वो नहीं समझ पाता है तो इसको लिखित में इंटरप्रिटेशन कराना पड़ता है, उसको किसी इंटरप्रेटर से उसको कन्वर्ट करा के उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है, और वो चाहे तो कुछ उसमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कुछ चाहे तो उसमें ऐड भी कर सकता है। वो एक्यूज के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, और मजिस्ट्रेट जो प्रिसाइडिंग जज है वो खुद अपने अंडर हिज ओन हैंड साइन करते हैं। An examination जो है she was taken in his presence and hearing and that record contained a full and true account of the statement by the accused. जो examination है उनके सामने लिया गया है, और जो ये जो memorandum है जो record है वो full जितना भी accused ने जो भी बातें कही हैं वो सब कुछ इसमें है in true account. Nothing in this section shall be deemed to apply to the examination of accused person in the course of summary trial. Section 281 है वो कहता है कि जो भी अभी प्रोविजन हमने बताया है सेक्शन 281 के अंदर, किसी भी एक्यूज का जब एग्जामिनेशन होता है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो कभी भी किसी भी समरी ट्रायल में जो भी केस चल रहा है उस पर अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये थर्ड वाला भी बहुत थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द मजिस्ट्रेट शुड एड मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ कन्फेशन। मेमोरेंडम वो चीज़ है कि उसमें ये बताता है मजिस्ट्रेट कि देखिए मैंने एक्यूज को सब कुछ बता दिया कि आप बाउंड नहीं है चीज़ों को कन्फेस करने के लिए, और मुझे लगता है कि ये अपनी वॉलेंट्री अपनी मर्जी से कन्फेशन कर रहा है और मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है, उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड कर रही हूँ एज ए कन्फेशन। अगर मेमोरेंडम नहीं होता और सब कुछ आपने फॉलो किया है फिर भी ये बैड इन लॉ है और इनएडमिसिबल होता है। मेमोरेंडम इज़ वेरी इसेंशियल प्रोविजन है, होना बहुत जरूरी है। तो देख लिया हमने कि स्पेशल प्रोविजन क्या है, क्या करना चाहिए, स्टैट्यूटरी वार्निंग देनी चाहिए, फर्स्ट सेटिस्फाई करना चाहिए कि वॉलेंट्री है कि नहीं। सेशन 281 के अंदर जैसे एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वैसे ही कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, और मजिस्ट्रेट शुड एड मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ कन्फेशन। अब देखते हैं सेशन 164(3) क्या कहता है, सब सेशन 3 क्या कहता है। इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन द मजिस्ट्रेट इज नॉट टू ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ सच ए पर्सन इन पुलिस कस्टडी। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होने के पहले अगर कोई भी एक्यूज कहता है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने कहता है कि नहीं मैं विलिंग नहीं हूँ कन्फेशन देने के लिए, तो मजिस्ट्रेट उसको कभी भी पुलिस कस्टडी में वापस नहीं भेजेगा, उसको हमेशा जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। क्योंकि इससे ये दिखाता है कि पुलिस कस्टडी में भेजने से क्या होगा कि हैम्पर होगा उसका राइट, वो किस फोर्स में आया है किस फोर्स में नहीं आया हुआ है। दिस सेक्शन गारंटीज दैट पुलिस प्रेशर इज नॉट ब्रॉट ऑन द पर्सन हु इज अनविलिंग टू कन्फेस। इसका ये मतलब हुआ कि जब कभी भी एक पर्सन कहता है कि नहीं मुझे विलिंगनेस मुझे नहीं है मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उसे कभी भी पुलिस कस्टडी में नहीं छोड़ते हैं और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। इसलिए भेजते हैं कभी भी उस इंसान पे जो कन्फेस नहीं करना चाहता पुलिस कोई प्रेशर ना डाले कि अगर वापस उसे पुलिस कस्टडी में हम भेज देंगे
तो मे भी क्या टॉर्चर कर, हमें कितने सारे हमने केसेस देखे हैं कि कस्टोडियल डेथ हो गई है, झूठ का कन्फेशन कराया गया है, घर वालों को डरा के कराया गया है। पुलिस ने अक्सर ऐसा काम किया है, इसलिए उसको उस एक्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि नहीं मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ट्रायल हो, मैं गिल्टी नहीं प्ली करता हूँ, तो उस केस में इसको ये प्रोटेक्शन दी गई है कि कभी भी पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कन्फेशन नहीं करना, मजिस्ट्रेट से जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 4 में क्या दिया हुआ है। कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 ऑफ द सीआरपीसी फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एंड शैल बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन। अभी मैंने बताया कि सेक्शन 281 में कैसे करना है कि जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट है तो समरी बनाएंगे और उसको साइन करेंगे, सारा सब्सटेंस जो है एविडेंस का वो रिकॉर्ड करेंगे उसमें स्टेटमेंट जो है, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड फॉर्म कर देंगे। या फिर उसके अलावा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे या कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो वो कैसे करेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन पूछेगा और उसका आंसर उसको लिखेगा और साइन करेगा, और जो कन्फेशन कर रहा है एक्यूज्ड है, जो एक्यूज है जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका साइन करेगा, उसको पढ़ के सुनाएगा उसकी लैंग्वेज, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा तो इंटरप्रिटेशन करवाएगा, इंटरप्रेट करवा के उसको देगा, साइन करवाएगा। और अगर समरी ट्रायल किसी केस की चल रही है तो उस पर सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से फॉर्म करना और एक्यूज पर्सन जो कन्फेशन उसने बनाया है उसको साइन करना पड़ेगा। द होल कन्फेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू द एक्यूज्ड एंड एवरी आंसर गिवन बाय हिम शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल। पूरा कन्फेशन जो होगा वो रिकॉर्ड होना चाहिए, जो जितना भी क्वेश्चन रेलिवेंट हो या ना हो, वो सारे क्वेश्चन उसे पूछे गए हैं, जो भी उसने उसका आंसर दिया है वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होना पड़ेगा जो उसके कन्फेशन है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है ही इज रिक्वायर्ड टू मेक ए मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि अब कैसे रिकॉर्ड बनाए, मेमोरेंडम बनाएंगे तो ये लिखते हैं अपने मेमोरेंडम में, आई हैव एक्सप्लेन टू द टू जो भी एक्यूज है उसका नाम, दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, दैट इफ ही डज सो एनी कन्फेशन ही मे मेक मे यूज एज ए एविडेंस अगेंस्ट हिम एंड आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वॉज वॉलंटरी मेड, इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग एंड वॉज रेड ओवर टू द पर्सन मेकिंग इट एंड एडमिटेड बाई हिम टू बी करेक्ट एंड इट कंटेन फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाई हिम। ये मेमोरेंडम करते हैं कि मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, वो ऐसा लिखते हैं उस मेमोरेंडम में कि मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया कि आप बाउंड नहीं है बनाने के लिए, कन्फेस करने के लिए, अगर आप कन्फेस करते हैं तो हम आपके अगेंस्ट एविडेंस में यूज करेंगे। और मैंने उनको जो मजिस्ट्रेट वो पढ़ के सुनाता और उनको लगता है कि वॉलेंट्री बना रहे हैं, वॉलेंट्री कन्फेस कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड कर देते हैं कि क्या क्या, और जो भी हम इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं लिख रहे हैं कन्फेशन में, वो जो भी एक्यूज ने बताया फुल अकाउंट है उसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेमोरेंडम होना चाहिए। अगर मेमोरेंडम सब कुछ फॉलो करते हो, मेमोरेंडम नहीं बनाते एट द फुट, तो वो बैड इन लॉ हो जाता है ये कन्फेशन। चलिए आगे चलते हैं, सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 बताता है कि जो जब कन्फेशन के अलावा दूसरा स्टेटमेंट, कन्फेशन नहीं कोई और स्टेटमेंट जो एक्यूज पर्सन बनाना देना चाहता है या कोई और देना चाहता है, एनी स्टेटमेंट अदर देन कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट जो है वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, वो जो सीआरपीसी के सेक्शन 272 से लेकर 280 तक दिया हुआ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस और अदर पर्सन, वो उनपे एप्लीकेबल होता है, वो इस प्रोसीजर से वो उसे फॉलो करेंगे जो मजिस्ट्रेट को लगता है कि हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो सही है उस हिसाब से वो करते हैं। कन्फेशनल नहीं है, अदर स्टेटमेंट, ठीक है, इसे अदर जो अदर विटनेस होते हैं, अदर स्टेटमेंट जो से हम एविडेंस में यूज कर सकते हैं उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। मजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हू स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड, और जो मजिस्ट्रेट है वो ओथ दे सकता है ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय, तो देना ही पड़ता है। मतलब इस जो कन्फेशनल स्टेटमेंट में कभी भी ओथ नहीं दी जाए दिलवाई जाएगी, पर बाकी कोई भी स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है अंडर दिस सेक्शन 164 सबसेक्शन 5 में ओथ देना ही पड़ता है। एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ओथ इज बार्ड इन रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन स्टेटमेंट, अभी कहा कन्फेशन स्टेटमेंट में ओथ नहीं दिलवाई जाएगी। अब जो ये सेक्शन 164(5)(a) है, सब सेक्शन 5 ए है, वो 2013 अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया था जो निर्भया केस
को आता निर्भया एक्ट कहते हैं इसे, जो अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल सिस्टम की 2013 अमेंडमेंट एक्ट में, ये जो प्रोविजन है वो ऐड किए गए। इसमें ये कहा गया है कि जो भी स्टेट में जो भी वुमेन है अफेक्टेड है, जो भी उनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है अगेंस्ट वुमेन, जैसे सेक्शन 354, 350A4A, 354B, C, D, सेक्शन 376 मतलब रेप, 376AB, 376DDB, 509, 376E, जो भी ये क्राइम है जो हमेशा हम देखते हैं जैसे स्पेसिफिकली अलग अलग किया जाता है वुमेन के अगेंस्ट होता है, तो जो वो जिस वुमेन के अगेंस्ट हुआ अगर वो कोई अपना स्टेटमेंट देती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो अभी हमने देखा सब सेक्शन 5 में कैसे ओथ दे के, और जैसे 272 से लेकर 278 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो प्रोविजन है उस जैसे रिकॉर्ड करते स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट ये देगी जो जिसके अगेंस्ट ये क्राइम हुआ है 354 में या 376 में जो भी क्राइम हुआ है वुमेन के अगेंस्ट, जब वो अपना स्टेटमेंट किसी मजिस्ट्रेट को देती है तो इसी तरीके उसी तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, तो सब सेक्शन 5 में जिस तरह से रिकॉर्ड के लिए कहा गया है। ये तो पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट फिजिकली और मेंटली परमानेंटली और टेम्पररी डिसेबल, ठीक है। और ये आगे सेक्शन कहता है कि अगर जो भी पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है वो फिजिकली और मेंटली परमानेंटली या टेम्पररी डिसेबल है, तो मजिस्ट्रेट जो है स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रेटर की मदद लेगा और जो इंटायर प्रोसेस है वीडियोग्राफ किया जाएगा, ये मैंडेटरी है। और जो ये स्टेटमेंट जो डिसेबल पर्सन है जो वो स्टेटमेंट देते हैं ये क्या कहते जो अभी रिकॉर्ड करवाए हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर से, और जो वीडियोग्राफ्ड हुआ है वो इन द ल्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड चीफ है, जो सेक्शन 137 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, एंड मेकर ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी क्रॉस एग्जामिन, जो ये स्टेटमेंट दे देंगे तो इनको एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं देना पड़ेगा, वो उसको ट्रायल में उसको वो छूट दे देंगे, सेम विल बी कंसिडर्ड एज एग्जामिनेशन चीफ और डायरेक्टली इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा इस स्टेटमेंट पे जिसने भी ये स्टेटमेंट बनाई है, तो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जामिनेशन इन चीफ के इक्वल होगी और जो पर्सन है जिसने उन्होंने किया है जो डिसेबल पर्सन है उन्हें दोबारा एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 6 में क्या हुआ है, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग ए कन्फेशन और स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड टू से इन द रिकॉर्ड डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी ट्रायड इनटू और इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायड, ठीक है। जिस मजिस्ट्रेट ने अभी हम सबसे पहले ये देखा था कि वेदर उनके पास जुरिडिक्शन है कि नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड कर ली है, तो जो मजिस्ट्रेट के पास केस को जाना चाहिए इंक्वायर जो मजिस्ट्रेट इंक्वायर करेंगे ट्राई करेंगे कि ट्रायल होगा जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस स्टेटमेंट को सारा रिकॉर्ड वो भेज देते हैं। द सच रिकॉर्ड इज एडमिसिबल इन एविडेंस इवन दो द मजिस्ट्रेट मेकिंग द रिकॉर्ड इज नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस टू फॉर्मली प्रूफ इट एज अ ट्रायल ऑफ द एक्यूज पर्सन, और जो ये रिकॉर्ड भेजा है मजिस्ट्रेट ने जिन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है कन्फेशन या अदर स्टेटमेंट उसको एविडेंस में प्रूफ किया जाए एडमिसेबल है और मजिस्ट्रेट को बुलाया भी नहीं जाएगा उसे प्रूफ करने के लिए एज ए विटनेस। सेक्शन 80 में इम्पॉर्टेंट सेक्शन 80 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रूफ करना पाता जिन्होंने स्टेटमेंट लिखी या बनाई है पर मजिस्ट्रेट को छूट होती है और उन्हें बुलाया नहीं जाता है प्रूफ करने के लिए और सच रिकॉर्ड एडमिसेबल भी होते हैं एविडेंस में। तो ये था सेक्शन 164 कन्फेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखते हैं कि एविडेंट्री वैल्यू क्या है। एविडेंट्री वैल्यू वो वैल्यू होती है कि किसी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम एविडेंस में देते हैं तो उसकी कितनी वेटेज दी गई है, उस पर कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितना वीक और स्ट्रांग है। तो जो एक कन्फेशन है इस सब्सटेंसिव एविडेंस है विदाउट बीइंग फॉर्मली प्रूव, अगर कोई भी कन्फेशन सही और वॉलेंट्री और फ्री तरीके से दिया गया है तो वो बहुत सब्सटेंसिव एविडेंस होता है और कोर्ट बिना किसी एविडेंस को लिए बिना उसे फॉर्मली प्रूफ किए उस पर एक्यूज को सजा दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये। इंटायर कन्फेशन जो है वो आना चाहिए रिकॉर्ड पे, भले ही कोर्ट उसके बाद उसे रिजेक्ट करे या पास करे किसी पार्ट को, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो इंटायर कन्फेशन है वो आना चाहिए, ये नहीं कि आपने रिकॉर्ड के आधा भेजा और आधा नहीं भेजा, पूरा कन्फेशन आपको कोर्ट को भेजना पड़ता है। और अगर जो कन्फेशन है वो रिजेक्टेबल है मतलब कोर्ट कहता है कि नहीं ये तो कन्फेशन गलत था इनवॉलंटरी जो भी सरकमस्टेंसेस बाद में पॉपअप होते हैं और उस पर कोर्ट को लगता है कि नहीं मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं
कन्फेशन इजेक्टेबल है, तो जो कन्विक्शन दी गई है उस कन्फेशन पे बेस्ड जो भी सजा दी गई है उस कन्विक्शन को मेन एविडेंस मानते हुए वो भी सस्टेन नहीं होगा, उसे भी खारिज में उसे भी थ्रैश में कर देंगे, उसे भी क्वेश कर देंगे। तो एविडेंट्री वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कन्फेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कन्फेशन कर रहा है, किसी भी क्राइम का एक्यूज है। और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं कन्फेशन, जो सेक्शन 164 है जिसका प्रोविजन है वो बहुत मैंडेटरी है, बिल उसको उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए। और अगर फॉलो नहीं होता है वो मैंडेटरी प्रोविजन जो है 164 के, पर सेक्शन 463 ऑफ CRPC में ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रोविजन नहीं फॉलो करते हैं वाइल मेकिंग द कन्फेशन, और पर मजिस्ट्रेट को ये लगता है जो ट्राई कर रहा है कैसे कोई इनजस्टिस कॉज नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई मेरिट केस का खराब नहीं हुआ है उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करने में, तो वो उसे वेव कर सकती है उस इरेगुलरिटी को और उसे कन्फेशन को प्रॉपर मान सकती है। तो प्रोविजन मैंडेटरी है पर सेक्शन 146 सेक्शन 463 के अंदर इस इरेगुलरिटी को वेव भी किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा जो ट्रायल कर रहा है किसी भी केस का और उसे लगता है कि मेरिट खराब नहीं हुई है केस की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कन्फेशन, इसे हमेशा इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ ही पढ़ा जाता है दोनों को मिला के कि उसमें क्या क्या कन्फेशन दिए गए हैं, कौन कौन से कन्फेशन एडमिसिबल होते नहीं होते, और इसमें ये बताया कि कैसे एक मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करता है।